गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो फार वी हैड डिस्कस अबाउट दी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. नाउ वील स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स सॉल्युबिलिटी, वेदर इट हैज़ सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ठीक है, बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे. सो जो सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट है फिनॉल या अल्कोहल का, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अल्कोहल है और फिनॉल है उसमें होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में. क्या होते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स? क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, या तो फ्लोरीन या होना चाहिए, या नाइट्रोजन होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए. ठीक है, उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. जैसे कि वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. सो क्योंकि ऑक्सीजन है, इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. सो इस तरीके से पोल्स, डाइपोल्स डेवलप हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल्स में, और जिसकी वजह से इनमें क्या है, अपोजिट डाइपोल्स, अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन डेल नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली अमोनिया का भी एग्जाम्पल देखते हैं, NH3 में भी क्या प्रेजेंट है? एक N प्रेजेंट है और H प्रेजेंट है, तो N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक, नाइट्रोजन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और बाकी सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. तो सिमिलरली जो एल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं, उसमें भी आप देखोगे OH ग्रुप प्रेजेंट है. OH में O जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो पहले हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. दिस इज़ दी ROH, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. दूसरा हम एक ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड. ये डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल, सॉरी. ठीक, सो ये ROH. इस तरीके से सारे अल्कोहल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? बने हुए रहते हैं, और इसमें आप बना सकते हो, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही क्या होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स और हेलोएल्केन्स. ठीक, समझ रहे हैं ना? बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है अल्कोहल का? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पर दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. जैसे मैं एग्जाम्पल देखती हूँ, मैं एथेनॉल लिया मैंने, और एक मिथॉक्सी मीथेन एस्टर है ये. ठीक है, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो इसका आता है 46, इसका भी आता है 46, इसका आता है 44. क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो इनका ऑलमोस्ट सेम है, इनका तो दोनों का सेम ही है, इसका थोड़ा सा कम है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, है ना? पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ 351 केल्विन, और अगर हम एस्टर का देखें तो इट इज़ 248 केल्विन, और इसका 231 केल्विन होता है. ये डेटाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि एल्कोहल और ये एस्टर, ये है ना, ये एथेनॉल है और ये एस्टर है.
अब देखो दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं ना, दोनों का फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ सिक्स हाइड्रोजन है, यहाँ भी सिक्स हाइड्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है. सो दे बोथ हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल, इट इज़ अ आइसो, दे बोथ आर आइसोमर्स. ये दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का मास भी देखो सेम है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका कम है. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट इज़ कंपेरेबली हाई करस्पॉन्डिंग टू द एस्टर एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होने का यही रीज़न है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, इतना समझ में आया. अब अगर हम एल्कोहल को ही आपस में कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल को, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन एल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंडरी एल्कोहल. उसके बाद सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टर्शरी एल्कोहल का होता है. ऐसा क्यों भाई कि टर्शरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है और प्राइमरी का ज़्यादा क्यों है? तो इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ये देखो, दिस इज़ अ प्राइमरी एल्कोहल, ब्यूटेनॉल. ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल है क्योंकि फोर कार्बन है और जो OH है वो इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये प्राइमरी है क्योंकि ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है. सेकेंडरी कैसे बन जाएगा? CH3, दिस इज दी सेकेंडरी एल्कोहल. और टर्शरी एल्कोहल बनाएंगे तो ठीक है, ये टर्शरी एल्कोहल है. टर्शरी क्यों है? ये भी चार है ना, सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी एल्कोहल है. अब देखोगे प्राइमरी एल्कोहल का सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, सरफेस एरिया मतलब ये फैला हुआ है, ये थोड़ा सा और उसका सरफेस एरिया और कम हो गया, इसका सरफेस एरिया और कम हो गया. सरफेस एरिया कम होने से जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अगेन दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 11, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज़ दी वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो आप देखोगे सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच और यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच कम होगा. रीज़न क्या है? यहाँ सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, यहाँ सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, कम हो गया सरफेस एरिया. समझ रहे ना, सरफेस एरिया समझते हैं. जैसे ये है एक कंपाउंड है तो उसका सरफेस एरिया ये सब उसके सरफेस एरिया में कैलकुलेट होते हैं. तो अगर कोई लंबा है कंपाउंड तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और कोई कंपाउंड कॉम्पैक्ट है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो यहाँ सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है. तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. ठीक है, और टर्शियरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो अगर आपको क्वेश्चन में दो तीन टाइप के अल्कोहल दे दिए हैं तो आपको पहचानना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा. तो किसका कम होगा? टर्शरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. सो ये हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कंपेरिजन. अब हम देखते हैं अगर कोई अल्कोहल है जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन अलग अलग है. अभी देखा तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में नंबर ऑफ़ कार्बन सेम थे, है ना. पर अगर नंबर ऑफ़ कार्बन सेम नहीं है, लाइक हमारे पास मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मॉलिक्यूलर मास जो है अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर आपको कंपैरिजन आता है इन दोनों में कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है. ठीक है,
तो यही सारी चीज़ें फिनॉल में भी लगती हैं. फिनॉल में भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे. अगर हम लेंगे हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, क्लियर हुआ बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट. बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में अगर हम दूसरे हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे अल्कोहल का, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको अल्कोहल का मैंने कंपैरिजन इधर से और दूसरा हाइड्रोकार्बन से कराया, तो मैंने देखा कि फिनॉल का सॉरी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिर अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कंपैरिजन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल. रीज़न क्या है, यहाँ पर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक. और अगर हम अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स को कंपैरिजन करें, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल को, तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा. तो ये तीन टाइप के कंपैरिजन हमने पढ़े बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, है ना. पहले अल्कोहल का कंपैरिजन ईथर और दूसरे हाइड्रोकार्बन से किया, फिर हमने किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का कंपैरिजन, और फिर अगर हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स अलग अलग हैं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का कैलकुलेशन. फिनॉल में भी सेम चीज़ होगा. फिनॉल में अगर हम देखेंगे, अगर मेरे पास फिनॉल है C6H5OH, ठीक है, टोलुइन है C6H5CH3 और क्लोरोबेंजेन है C6H5Cl, ठीक है, इन सब के अगर मास कंपैरिजन करो तो ऑलमोस्ट सबका मास सेम है. उसके बावजूद भी जो इसका है अल्कोहल जो है फिनॉल है, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन होता है, टोलुइन का 384 केल्विन होता है और इसका 405 केल्विन होता है, ठीक है. तो यहाँ पर भी मास ऑलमोस्ट सेम है सबका, फिर भी सिर्फ फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द फिनॉल हैज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इतना क्लियर है. अब ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात. अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी कि ये सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है. सो अल्कोहल जो है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर है. जो बेसिकली जो लोअर अल्कोहल है लाइक CH3OH की बात करें, सो इट इज़ अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. C2H5OH भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, बट C3H7OH जो है इट इज़ नॉट वेरी हाईली सॉल्युबल बट सॉल्युबल. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इस फंक्शनल ग्रुप में, है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ दिस हैवी जो इसमें एल्काइल ग्रुप जितना हैवी होता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है. जो मेथेनॉल है और एथेनॉल है दे आर हाईली सॉल्युबल, इट इज़ सॉल्युबल, और उसके बाद वाले धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी. जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप क्या होगा, हैवी होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है. सॉल्युबिलिटी का भी रीज़न क्या है अल्कोहल में, दैट सेम रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये देखते हैं हम लोग. जैसे एक अल्कोहल है CH3OH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस. ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. देखो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस तरीके से हर एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होगा. इसकी वजह से ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली. आप और बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये वाटर दूसरे अल्कोहल से अटैच है, वैसे ये जो ये हाइड्रोजन है ये किसी और अल्कोहल से अटैच होगा. इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. ओके, क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी का. अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये मेथेनॉल है इट इज़ हाईली पॉइजनस सब्सटेंस. ओके, ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इससे इवन डेथ भी हो सकती है, आँखों की रोशनी चली जाती है. आप कभी कभी सुने होंगे जहरीली शराब पीने से आँखों की रोशनी चली गई या इतने लोग उनकी डेथ हो गई. तो जहरीली शराब क्या होता है, कभी कभी जब हम
नॉट फैक्ट्री में नहीं बनता, वो जो नेचुरली जो बनता है ना अल्कोहल बनाते हैं उसमें कभी कभी C2H5OH ना बन के मिथेनॉल बन जाता है, और मिथेनॉल बहुत ही पॉइजनस है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत पॉइजनस है, जबकि C2H5OH इज़ नॉट पॉइजनस बट इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, अल्कोहल। बट अल्कोहल का जो ये एथिल अल्कोहल है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ड्रग्स या मेडिसिंस बनाने के लिए करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इसका यूज़ करते हैं एथिल अल्कोहल का। सो दिस अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इज़ नॉट पॉइजनस, बट दिस मिथिल अल्कोहल या मिथेनॉल इज़ वेरी पॉइजनस अल्कोहल। ओके, इतना क्लियर हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।